झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा में पूरा जोर लगा दिया गया है। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जामताड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया। रैली के दौरान आदित्यनाथ ने कहा, कोई इरफान अंसारी जीतेगा तो अयोध्या में राम मंदिर कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि केवल मंदिर नहीं है, ये भगवान की जन्मभूमि पर बनने वाला राष्ट्र मंदिर है, जिस पर भारत की आत्मा विराजमान होगी, जो भारत की न्यायपालिका, लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को कराएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों में हिंदुओं ने 176 लड़ाई लड़ी है, कई लाख हिंदू हताहत हुए राम जन्म भूमि को पाने के लिए। योगी ने देश में तमाम कुव्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर इसने हिंदुस्तान की संस्कृति तक से खिलवाड़ किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हर मामले को लटकाती थी, हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे। यूपी के सीएम ने कहा कि 5 वर्ष के मोदी जी का कार्यकाल भारत माता के लिए समर्पित है।